फ्रेंड्स वेलकम टू बीरेन्स एकेडमी आशा करें भलर थे आ कॉन्ट्रैक्ट टीचर एग्जाम प्रिपेरेशन करेंगे मुझे वीडियो आनी पार नी बिकज देह मोर खराब था तो टे भल लगे मतलब आप वीडियो बनई जे वीडियो आम डिस्कसन कर पेड़ागोजी जीके आ कंप्यूटर किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे आपंपाई ओनली आंसर ही मुझे कह आप एक्सप्लेनेशन करी समय आप नष्ट करें आप खाली आंसर जानतु यदि या भितर भी गोटे दुटा क्वेश्चन आपर पलैसला तो निश्चित आप बेनिफिट हे तो चलतु डिस्कशन करिया प्रथम क्वेश्चन जमी आपठ कौन दे कंप्यूटर को आम कौन कहती ना नंबर क्रंचर्स कहते कौ कंप्यूटर को आम नंबर क्रंचर्स कहते ना आप जो सुपर कंप्यूटर अच्छी सुपर कंप्यूटर को आम कौन कहते ना नंबर क्रंचर्स कही था सुपर कंप्यूटर को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कहला जे केतटा बाइट्स थाए जे कि इक्वल हेथाय 1 बाइट सहित केतटा बाइट इक्वल हेथाय 1 बाइट सहित केतटा बाइट इक्वल हेथाय 1 बाइट सहित ना आपन माने जानथिबे 8टा बाइट इक्वल हेथाय कोन 1 बाइट सहित तो ऑप्शन नंबर सी हे जो आपन कर करेक्ट आंसर 8टा बाइट इज इक्वल टू 1 बाइट्स बुझि पाइले नेक्स्ट आपन कहला एथर जेमि आस्तला क्वेश्चन तो यूएसबी रो फुल फॉर्म कौन जमी यूएसबी हूँ कॉमन इंटरफेस जे एनाबल करे कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस आउ गोटे होस्ट कंट्रोल को सच आज पर्सनल कंप्यूटर पीसी इन यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूएसबी जो स्टैंड्स हुए एस रण तार आस फुल फॉर्म एट यूएसबी तो आप जानते यूनिवर्सल सीरीयल बस तो ये राइट आंसर आपंकर कौन हो सीरीयल हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर से एस रो फुल फॉर्म पचार नेक्स्ट आप क्वेश्चन कहला जे एम एस डॉस जो कमांड फाइल अच्छी तार एक्सटेंशन कौन ना एम एस डॉस कमांड फाइल एक्सटेंशन कौन आपण मैंने जानते तार हूँ कौन डॉट कॉम हूँ कौन ना एम एस डॉस कमांड फाइल एक्सटेंशन कौन डॉट कॉम अबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन कहला जो आपंकर जो अच्छी डब्ल्यू ओ आर एम गोटे डाटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी जे कि प्रिवेन्स करे ड्राइव को इरेजिंग डाटा करार तो ओआर डब्ल्यू ओ आर एम फुल फॉर्म कौन ना आप मैंने जानते डब्ल्यू ओ आर एम रो फुल फॉर्म आपको कहबी कौन हो राइट वन्स रीड मेनी राइट वन्स रीड मेनी हो रहा करेक्ट आंसर राइट वन्स रीड मेनी बुझ पाइले डब्ल्यू ओ आर एम फुल फॉर्म नेक्स्ट आपन कहला कौ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मोस्ट एप्रोप्रिएट आप जो न्यूमेरिकल आउ स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने कोटा बेसिकली सुइटेबल थाए आपन को मोस्ट एप्रोप्रिएट भी थाए से कोटा जदि मुझे कहबी से कोटा हो स्प्रेडशीट स्प्रेडशीट हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कहला जे यूआरएल फुल फॉर्म कौन यूआरएल फुल फॉर्म आपने जानते एरा हूँ फुल फॉर्म कौन यूआरएल ना यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो कौन यूआरएल फुल फॉर्म कहला जदि गोटे कंप्यूटर प्रोवाइड्स कर डाटा बस सर्विस अदर को देन सेटा को आम कौन कह वेब सर्वर ना एप्लीकेशन सर्वर ना डाटाबेस सर्वर ना कौन आम कहता कह डाटाबेस सर्वर बुझ पाइले जोटे कंप्यूटर प्रोवाइड कर डाटाबेस सर्विस टू अनदर को ताको आम कौन कह डाटाबेस सर्वर बोलीपर कहला जो जो चार ऑप्शन आपको दे राम आप कौरे राम यूज आम कर राम यूज कौन कर आप जो सेमी कंडक्टर अच्छी तो सेमी कंडक्टर में कौन आम राम यूज कर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा जी यूआई यूआई आप जो अच्छी कंप्यूटर टर्म तार फुल फॉर्म कौन ना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तार कौन फुल फॉर्म तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर आपंपाई जे कि कौन हो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आपला वेब डिजाइनिंग बेले कॉमन लैंग्वेज कौन व्यवहार होता है वेब डिजाइनिंग बेले कॉमन लैंग्वेज आपंकर कौन होता है ना एच टी एम एल आपंकर एच टी एम एल फुल फॉर्म कौन ना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बुझ पाइले हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज नेक्स्ट आपला जो आंड्रॉइड एप्लीकेशन अच्छी कौ कमनली यूज होता है आंड्रॉइड एप्लीकेशन ने कौ लैंग्वेज आपंकर कमनली यूज होता है से ना से हूँ कौन जावा जावा हूँ कौन गोटे
लांगुएज कमनली यूज लांगुएज आंड्रोइड आप्लिकेसन यहाँ होता है। नेक्स्ट आपको कहला जे जो भी ऑप्शन देजी तब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आम क्या कहवा हार्ड डिस्क राम डीओर या सेमीकंडक्टर। सो राइट आंसर आपंकर कौन है ना हार्ड डिस्क करेक्ट आंसर बुझे हार्ड डिस्क करेक्ट आंसर कह रो क्वेश्चन आंसर है हार्ड डिस्क ना जोटा हो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो कौन हार्ड डिस्क। नेक्स्ट आपको कहला जो यूएसबी अच्छी यूनिवर्सल सीरियल बस से कौ टाइप स्टोरेज डिवाइस आम कह कौ टाइप से स्टोरेज डिवाइस ना यहाँ हूँ कौन आपणकर जानते हैं आप कमेंट बक्स में मतलब जनइबे यूएसबी हूँ कौन कौ टाइप स्टोरेज डिवाइस है आप कमेंट बक्स में मतलब जनइबे। नेक्स्ट आसपे आम जिके पार्ट को कहला व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ द डिफेंस सर्विस जो मेंबर मानकर जो टेन्योर थाए आउ सिविल सर्विस ऑफ द सेंटर एंड ऑल इंडिया सर्विस मैंने डिफेन्स सर्विस हो सिविल सर्विस हो ऑल इंडिया सर्विस रहा कि जो टेन्योर कौ आर्टिकल लिखा जाए कौ आर्टिकल लिखा जाए आपंकर आर्टिकल 310 रे लिखाई जे कौन माने जो मेंबर जो डिफेन्स सर्विस हो सिविल सर्विस सेंटर जो सिविल सर्विस हो ऑल इंडिया सर्विस जी था टेन्योर यहाँ कौन आर्टिकल 310 रे लिखा जाए। नेक्स्ट जीवा कौ एटी आपणकर जो कौ कमिशन ये रेकमेंडेड करे जे लोकपाल और लोकायत लोकपाल और लोकायतर एस्टाब्लीशमेंट इनट्यूशन जो अच्छी कौ कमिशन रेकमेंडेड द्वारा यहाँ एस्टाब्लीश होता है कि कौ कमिशन रेकमेंडेड द्वारा होता है ना आपणकर आडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिशन ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर आडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिशन। नेक्स्ट आपको देखी आप जो अलाहाबाद जो पिलर इंस्क्रिप्शन अच्छी से डिटेल्स दिए के रीजन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैंने कहा तो से डिटेल्स देता है अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जमीक कनिष्क समुद्रगुप्ता कुमारगुप्ता या अशोक कहार देता है ना आपणकर समुद्रगुप्ता विषय डिटेल्स देता है कौन अलाहाबाद पिलर बेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहला द ऋग्वेदा पीपुल वेंट्रेटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द ऋग्वेदा पीपल जो थे क्या भी से बस बिलीव करते विंड रेन वाटर आइडल ऑफ गॉड एंड गॉडेस जी मुझे आपको कहबी ये आपंकर करेक्ट आंसर कौन हो ना ना सी विंड को भी बिलीव करते रेन को वाटर को ये तीन टा जिनस को सी बहुत बिलीव करते जमीक मानने विंड रेन आ वाटर जी बहुत इंपोर्टां था से टाइम रही इंपोर्टां अच्छे ऋग्वेदिक पीपुल बहुत बिलीव करते विंड रेन वाटर को मानुले हेला तो ये राइट आंसर आपंकर कौन हो सी है वन टू थ्री है करेक्ट आंसर एवं जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कहला अजंता केव्स जो अच्छी अजंता केव्स विषय आपन को कौ स्टेटमेंटा करेक्ट लगुच अजंता केव्स विषय कौटा लगुच देखु जमीक ये आपको जो दौर द आर्लीएस्ट केव्स आर एक्सपेक्टेड ड्यूरींग द जद्वाना डायनेस्टी यस इटा है जीवो अजंता केव्स वेयर द फास्ट आर्कियोलॉजिकल साइट इन इंडिया टू बी इनस्क्रिप इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट हाँ ये भी है तो आपंकर बोथ वन एंड टू कौन है ना अजंता केव्स विषय जो स्टेटमेंट अच्छी करेक्ट हो जो ब्रिटिश स्कूल सेटअप करते कौ मेजर सिटी रे व्हिच मेजर सिटी ट्रेन्स इंडियन आर्टिस्ट इन वेस्टर्न टेक्निक है द ब्रिटिश सेटअप स्कूल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर सिटीज टू ट्रेन द इंडियन आर्टिस्ट इन वेस्टर्न टेक्निक है इंडियन आर्टिस्ट को ट्रेन करवा जो वेस्टर्न टेक्निक कौ स्कूल ब्रिटिश मैंने कौ सिटी सेटअप करते बॉम्बे आगरा माड्रास जो आपको देखिए तो कौ सिटी हो बॉम्बे दिया आउ माड्रास दिता आगरा नुह कौटी कौटी बॉम्बे आउ आपणकर माड्रास तो सही अनुसार आपणकर आंसर ये कौन हो ना ओनली वन एंड थ्री है ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर एवं जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देला जो आपंकर जो वुमेन्स टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप फेब्रुआरी 2023 हम ता कौ कंट्री होस्ट करवाटा होस्ट करवा कंट्री किए सी हूँ किए ना साउथ आफ्रिका सो साउथ आफ्रिका ये आपंकर होस्ट कर बुझे। नेक्स्ट आपणकर जे कि मोतीलाल वोरा जो कि जन बहुत भल लीडर थे रिसेंटली डेथ हो जाए से कौ स्टेट्र चिफ मिनिस्टर थे मोतीलाल वोरा तो मोतीलाल वोरा कौ स्टेट्र चिफ मिनिस्टर थे
ना मध्यप्रदेश मोतीलाल वोरा हूँ चीफ मिनिस्टर थे इंडिया रा केवल गोटे आक्टिव वोल्केनो जी कि कौ प्लेसेस देखा मिली था कौ प्लेसेस देखा मिली था आपको क्वेश्चन पचारा देखो कौ स्टेट आपंकर ना जो ब्यारेन आइसलैंड जो आपंकर अच्छी ब्यारेन आइसलैंड देखा मिलता है कौन आक्टिव वोल्केनो नेक्स्ट जीवा तो देखिबा आम ये जो दे मैं बाउंड्री लाइन रिलेटेड टू कंट्री कौटा करेक्ट जमी मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना ये रेडक्लिफ लाइन बिटवीन इंडिया पाकिस्तान दुरंद लाइन देखकर बिटवीन इंडिया अफगानिस्तान पल्क स्ट्रेक बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका तो कौटा हो आपंकर करेक्ट आंसर जमीक मैकमोहन लाइन दिला बिटवीन इंडिया एंड चाइना यहाँ ठीक अच्छे आपंकर रेडक्लिफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान यहाँ भी ठीक अच्छे आपंकर पल्क स्ट्रेट जो अच्छे आपटवीन इंडिया एंड श्रीलंका यहाँ ठीक अच्छे तो दुरंद लाइन क्या क्या भितर अच्छे इंडिया अफगानिस्तान भितर ना क्या क्या भितर अच्छे यहाँ आप मतलब कमेंट बक्स जनइबे ठीक अच्छे एवं जावा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट आपन कहला को फोर्स रे सन किप्स ऑल द प्लानेट रिवॉल्व अराउंड इट को फोर्स हटा जो आप ग्राविटेशनल फोर्स कि ग्राविटेशनल फोर्स हटा कौन आप करेक्ट आंसर जा नेक्स्ट क्वेश्चन को कहला व्हिच मटेरियल इज द अर्थ क्रस्ट मेजरली कंपोज्ड ऑफ को मटेरियल को लेकिन अर्थ क्रस्ट अच्छी कंपोज्ड है ऑक्सीजन सिलिकॉन आल्युमिनियम आयरन निकेल मैग्नीशियम आयरन निकेल ऑक्सीजन आयरन एंड निकेल तो राइट आंसर आपंकर कौन ये हो देखो ये आपको देखी जी कौन हो ऑक्सीजन सिलिकॉन आल्युमिनियम हो करेक्ट आंसर अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन कहला वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो अच्छे आपंकर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किए से इश्यू करे ना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इश्यू करता है एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर जो फिफ्थ फाइव इयर प्लान सेटअप कराइला कौ पारामीटर को लेकिन फिफ्थ जो फाइव इयर प्लान सेटअप कराइला इंडिया रे नेशनल इनकम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट कॉस्ट सो राइट आंसर आपंकर कौन हो ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हो करेक्ट आंसर बुझिपाले नेक्स्ट जीवा कहला कौ डायनेस्टी रिमार्क कर टर्निंग पॉइंट ऑफ ओडिशा कॉइन है ओडिशा कॉइन जो टर्निंग पॉइंट थिला कौ डायनेस्टी कर देखु से डायनेस्टी ना हो गंगा डायनेस्टी बुझिपाले तो गंगा डायनेस्टी हो कौन करेक्ट आंसर ये थिला कौन द गोल्ड कॉइन थिला गंगा डायनेस्टी है कि गोल्ड कॉइन थिला गंगा डायनेस्टी कहला जो आप ग्रेट रिवोल्ट होता 1857 कौ ओडिशा लीडर ए पार्ट नहीं सुरेंद्र साय चक्की खुंटिया रामकृष्ण सामंत सिंगर ना ऑल ऑफ द अबव तो राइट आंसर ये आपंकर कौन हो ना ऑल ऑफ द अबव हो करेक्ट आंसर सुरेंद्र साय चक्की खुंटिया रामकृष्ण सामंत सिंगर ये नहीं जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहला जो आपंकर जो अच्छी नॉर्थ टू साउथ पोर्ट जो अच्छी ओडिशा ताको अरेंज करने क्वेश्चन पचार तो कौन हो नॉर्थ टू साउथ देखा तो फास्ट आम नॉर्थ को जा कहना काशी पोर्ट हो फास्ट टू काशी पोर्ट नेक्स्ट आपंकर कौन ना धामरा पोर्ट हो काशी ये पोर्ट हो कौन फास्ट धामरा पोर्ट होपर आपणकर कौन तापर आपणकर कौन पलि पारादीप पोर्ट होपर आपणकर कौन हो गोपालपुर पोर्ट है कि गोपालपुर पोर्ट तो टू वन थ्री पोर्ट तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर मुझे यदि आपको ये कह तो आप जानते हैं जो काशी पोर्ट अच्छी से हूँ भद्रक डिस्ट्रिक्ट अच्छी काशी पोर्ट है कि आपणकर धामरा पोर्ट भी जानते हैं आप भद्रक डिस्ट्रिक्ट अच्छी आपणकर पारादीप पोर्ट जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट अच्छी आ गोपालपुर पोर्ट कौटी अच्छी ना गंजाम डिस्ट्रिक्ट गोपालपुर पोर्ट अच्छी आपने जानते नेक्स्ट आपन को आसा आप पेडागोजी क्वेश्चन कहला किए ये भर डेवलपमेंट प्रिंसिपल नुह किए डेवलपमेंट प्रिंसिपल नुह प्रिंसिपल ऑफ ना प्रिंसिपल ऑफ प्रेसीडिंग प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल रेस्पन्स है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल रेस्पन्स आपंकर कौन प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नुह नेक्स्ट आपन को देला कौन आपणकर जो अच्छी डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज चिल्ड्रेन अकॉर्डिंग टू बी एफ स्किनर इज द रिजल्ट ऑफ
a development of language in children according to B.F. Skinner is the result of language जो develop हुए children को B.F. Skinner कौन सा है द रिजल्ट कौन हुए से द रिजल्ट है जाता है ना रिजल्ट कौन हुए तरह ना इमिटेशन एंड री एनफोर्समेंट इज राइट आंसर इमिटेशन एंड री एनफोर्समेंट नेक्स्ट आपन देला बिहेवियर पैटर्न दैट इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी व्हेन फॉलोड बाय रिवार्ड इज नोन एज जो बिहेवियर पैटर्न अच्छी जे कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करे से कौ रिवार्ड को ये फॉलो करिथाय ना कौ रिवार्ड को ना अपरेंट कंडीशन को ये फॉलो करिथाय जो नेक्स्ट क्वेश्चन किए कहते एजुकेशन हूँ मेन मेकिंग दैट बाय हुई ए क्यारेक्टर इज फर्म जो थे क्यारेक्टर फर्म कराए स्ट्रेंथ माइंड स्ट्रेंथ इनक्रीज होता है इंटेलेक्ट एक्सपांडेड कराए जो थे कि मेन कैन स्टैंड ऑन हिज ओन फिट किए कहते ना विवेकानंद को आपले जा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला कौ सिचुएसन जे अकर करे कल्चराल चेंज नट टू फलो डू नट फलो सोशियाल चेंज लगे कौ सिचुएसन आपर जो कल्चरल चेंज डू नॉट फॉलो सोशल चेंज कौ ये आपर ना कल्चरल लैग आपरें नेक्स्ट क्वेश्चन आपला सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इनक्लूड्स सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन ने कौन इनक्लूड थाए ना सोसाइटी एंड इट्स रिलेशनशिप विथ द इंडिविजुअल सोसाइटी आउ इंडिविजुअल सहित जहाँ रिलेशन थाए से सोशियोलॉजी एजुकेशन डिफाइन करथाए आपनकर अछि जो मिरिम्बाका स्कूल बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ फ्री प्रोग्रेस एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय मिरिम्बाका जो स्कूल अच्छी एजुकेशन किए कहते सी अरविंद कहते टे ना अरविंद आइडिया था अरविंद एजुकेशन एज ए सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी एजुकेशन एज सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी तार मीनिंग कौन सी आपला ना ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी एंड मेक इट मॉडर्न सोसाइटी चेंजेस आणव आता मॉडर्न कर नेक्स्ट क्वेश्चन आपला कल्चरल कैपिटल को किए कॉइन करते टर्म कल्चरल कैपिटल किए करते कॉइन करते कल्चरल कैपिटल जी मुझे कहबी ता हूँ कौन ना बोरेडियो एंड प्यासरेन बोरेडियो एंड प्यासरेन हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट आपला वन्स एटीट्यूड एंड वैल्यू फ्रॉम द बेसिस ऑफ वन्स जनकर आटीच्यूड आ वैल्यू तर कौ बेसिस को आम कह जनकर ना सेल्फ कनसेप्ट जनकर सेल्फ कनसेप्ट को आम कहीपर नेक्स्ट आपन कहला जेनराली द मोस्ट इफेक्टिव आप्रोच टू डिलिंग विथ चाइल्ड आग्रेसीव बिहेवियर कहला कौटा इफेक्टिव आप्रोच रइल्ड रो कौन आग्रेसीव बिहेवियर को कौटा रपणकर देखु यदि मुझे ये कहबी आपणकर कौन है ना टू चेंज हिजर आग्रेसन इन टू लेजिटमेट एरिया ऑफ कंपटीशन तो आग्रेसन को आम चेंज कर ना जो लेजिटमेट एरिया ऑफ कौन कंपटीशन है तार आग्रेसन को आम कौन करवा ना चेंज करवा तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट कहला आपणकर जो राधाकृष्ण कमिशन अच्छी एम ऑफ हायर एजुकेशन अकॉर्डिंग टू राधाकृष्ण कमिशन हायर एजुकेशन एम कौन थी ना हायर एजुकेशन एम कौन थी ना आपणकर कौन थी ना टू डेवलप द डेमोक्रेटिक वैल्यू पीस एंड हार्मोनी हो करेक्ट आंसर टू डेवलप ग्रेट पर्सनालिटी हु कैन गिव दर कंट्रीब्यूट इन पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्री एंड कमर्स तो बोथ ए एंड बी हो करेक्ट आंसर आपणकर नेक्स्ट आपन कहला क्वेश्चन कहला 2013 ने कौ काउनसिल कौन कि डिसबैंडेड हो जाता 2013 ने कौ काउनसिल डिसबैंडेड होता से कौन डिस्टेंस एजुकेशन काउनसिल 2013 ने डिस्टेंस एजुकेशन काउनसिल कौन होता ना डिसबैंडेड होता नेक्स्ट जीवा कहला कौ स्टेटमेंट ये करेक्ट नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउनसिल नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउनसिल को कौ स्टेटमेंट ये करेक्ट कर जमीन इट इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन इट टास्क विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असेसमेंट एंड अक्रेडिंग इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन इट इज लोकेटेड इन दिल्ली इट हैज रीजनल ऑफिसेस तो कौटा हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर वन एंड टू हो करेक्ट आंसर जे कि कौन हो ये हूँ कौन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन आउ जे रेस्पॉन्सिबिलिटी असेसिंग आउ अक्रेडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर
एजुकेशन। नेक्स्ट देखिबा तो रहा बेस्ट वे कौन रे कि तुमर कौन क्लास रे रैपोर्ट आने बेस्ट वे टू एस्टाब्लीश रैपोर्ट विथ क्लास कौन रहा सेटा ना प्ले द रूल्स ऑफ गाइड हु डिजायर टू हेल्प देम। प्ले द रूल्स ऑफ गाइड हु डिजायर टू हेल्प देम। नेक्स्ट कहला कौ टेक्नोलोजी आप यूजफुल हो पार से स्टूडेंट को जो स्टूडेंट विजुअली इंपेयर्ड था बट नॉट ब्लाइंड विजुअली इंपेयर्ड था बट से ब्लाइंड न था सेटा कौन है ना सॉफ्टवेयर दैट मैग्निफाई एवरीथिंग बाय 2 to 16 टाइम्स है तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट जो आम कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस प्रोग्राम रो कौ स्टेजेस ये कौन रहा इनवॉल्व कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस प्रोग्राम रो कौ स्टेजेस ये आपंकर इनवॉल्व रही कौ स्टेजेस ना आपणकर आक्सेप्टिंग इंडिविजुअल एटा कौन रहा आक्सेप्टिंग इंडिविजुअल अप्रिसीएटिंग प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉब्लम टेकिंग एक्शन रेफरल। तो ये जो आपणकर करेक्ट आंसर आक्सेप्टिंग इंडिविजुअल अप्रिसीएटिंग प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉब्लम टेकिंग एक्शन रेफरल। नेक्स्ट कहला व्हाट इज गाइडेंस गाइडेंस माने कौन तो गाइडेंस माने कौन जदि आपणको आजिवो तो कौन है जो गाइडेंस माने ना हेल्पिंग पर्सन सिस्टमेटिकली टू ओवरकम हिज आर डिफिकल्ट एटा हो करेक्ट आंसर आपणकर। नेक्स्ट हेल्पिंग ए बॉय गोइंग आउट ऑफ द वे टू स्कोर मोर मार्क एटा तो हो पार कौन हेल्पिंग एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ हरसेल्फ हिज और आर नीड एंड हिज और आर एनवायरमेंट। राइट आंसर आपणकर कौन हो ना ए हो करेक्ट आंसर 1 and 2 हो करेक्ट आंसर। सो ये किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो मुझे सहित बेस डिस्कसन कर पारे ड्यू टू मोर हेडाकेक अधिकर अधिक मुंड बिन्वरुपारे तो जी क्वेश्चन नहीं आप देखिए आपड़ी भल लगे कमेंट करेंगे वीडियो सेयार करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।